हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपके होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स की आज करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, मैस्कुलिन के लिए यहाँ पर एनर्जीज आई हैं न्यू बिगिनिंग्स। ऑन द अदर हैंड, फेमिनिन्स का करंट शिफ्ट है क्वीन ऑफ माइकल एंड टू ऑफ राफेल, एंड द एनर्जीज आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द लवर्स। तो इन एनर्जीज के चलते जो एक वाइब यहाँ पर मैं सेंस कर रही हूँ, फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स के बीच में हो सकता है आइदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी या फिर एक कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया होगा, फाइन। और इवेंचुअली आप दोनों के बीच में सिचुएशनशिप्स बैलेंस भी होती हुई मुझे नजर आ रही है। न्यू बिगनिंग्स की एनर्जीज में लिखा है स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिवीव ऑफ द पास्ट। तो ऑफकोर्स जो एक यहाँ पर सिनेरियो में सेंस कर पा रही हूँ, ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं। तो आपके मैस्कुलिन किसी सिचुएशनशिप से उभर पाए हैं और आइदर इन्होंने आपसे माफ़ी सीख की है या फिर आपने जब इनकी तरफ हो सकता है एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो इन्होंने उस दोस्ती के हाथ को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप दोनों के बीच में नॉर्मल वेज पर कम्युनिकेशंस हो रही थी तो ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है कम्युनिकेशन ब्रेक आ गया था आप दोनों के बीच में किन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर या फिर जिस भी टॉपिक को लेकर आप दोनों के बीच में बहस हो रही थी, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे कहीं पर, आप शायद हो सकता है एक दूसरे के साथ म्यूचुअल ग्राउंड नहीं शेयर कर पा रहे थे। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन या फिर कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था होगा गाइस। अब हो सकता है आप दोनों के बीच में वो कम्युनिकेशन कम बैक कर गया है। तो आपके मैस्कुलिन यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग्स की एनर्जीज में खुद को सेंस कर रहे हैं। अब ये उन सारी मिस्टेक्स को शायद नहीं दोहराएंगे। अगर इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया था या फिर आपके अकॉर्डिंग कुछ बातें यहाँ पर नहीं बैठ पा रही थी तो शायद ये उस पर्टिकुलर से सिनेरियो पर वर्क करना चाहेंगे। तो ऑफकोर्स ये इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने नहीं देंगे, इस अपॉर्चुनिटी का ये ब्यूटीफुली एडवांटेज लेंगे और इस पर्टिकुलर से सिचुएशन पर ये वर्क करके दिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज क्वीन ऑफ माइकल की बनी हुई हैं। यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, अ टाइम फॉर योर करियर रैदर दैन रिलेशनशिप्स। हो सकता है आपने स्ट्रेट वेज में इनसे कुछ कह दिया था और अगर आपने एक गुस्सा भी जताया है तो उस गुस्से में आपने अपना एक इमोशनल साइड छुपा कर अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि अब आप इमोशनली इनसे कनेक्टेड नहीं हो, आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। जैसे कि ऐसा हुआ होगा कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रही थी किसी चीज़ को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर बहस हो गई आप दोनों के बीच में, तो आपने शायद वॉक अवे तो किया है लेकिन बहाना ये दिया होगा कि अब आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। मीनवाइल ये आपको डिस्टर्ब ना करें या फिर ये जितना भी टाइम लेना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर काम करने के लिए ये ले लें, लेकिन तब तक आप इनसे आइदर कोई कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहते या फिर अगर वॉक अवे भी होना चाह रहे हो तो बहाना शायद आपने इस वेज में शो किया था होगा गाइस। लेकिन एक्चुअल में आपकी एनर्जीज यहाँ पर टू ऑफ राफेल की हैं, यानी कि टू hearts dedicated to creating something wonderful, kindred spirits, don't give up on those you love. कहने का ये मतलब है इस पर्सन को आप पुश करना चाहते हो किसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ाने के लिए और जब तक आप इस पर्सन को पुश नहीं करते ये शायद उस शिद्दत से किसी चीज पर वर्क नहीं करते होंगे। अगर ये इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ही बात क्यों ना हो, जब तक आप इस पर्सन को वो एक किक स्टार्ट नहीं देते हो तब तक शायद ये पर्सन आगे बढ़ते ही नहीं होंगे और उसी सिचुएशन में हो सकता है कंफर्टेबल होकर रह जाते होंगे। तो हर बार ये जो ड्रामा क्रिएट होता है ये जानबूझकर करना पड़ता होगा, वरना आपके पर्सन ऐसे होंगे
ये उसी सिचुएशन में ढल जाते होंगे, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, कैजुअल सा रिलेशनशिप चल रहा हो या फिर एक सीरियस कमिटमेंट्स के बेसिस पर आप लोग कन्वर्जेट ना भी कर रहे हो, तो ये उस सिचुएशन में ढल जाते हैं और बहुत ही चिल वे में ये आपके साथ कन्वर्जेशंस रखते जाते होंगे, इवेंचुअली कुछ नहीं कर पाते होंगे। तो ये जो ड्रामा अभी आपने क्रिएट किया है बीइंग द क्वीन ऑफ माइकल, एक्चुअल में वो आपकी एनर्जी नहीं है, आपकी एनर्जी टू ऑफ रफाइल की है, यानी कि आप जानते हो कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए कितना प्यार है और ये आपको किस हद तक चाहते हैं, ये आपको सब कुछ पता है। लेकिन जब बात कोई नेक्स्ट एक्शन लेने की आती है या फिर इस कमिटमेंट को एक सीरियस मोड देने की आती है, तब हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लेजी एक्ट करते होंगे, बहुत ज़्यादा चिल वे में बिहेव करते होंगे, तो आपको ऐसी सिचुएशनशिप क्रिएट करनी पड़ जाती होगी जहाँ पर इस पर्सन को ये एहसास दिलाया जाए कि आइदर आप इनसे वॉक अवे हो रहे हो या फिर इनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वे में बिहेव कर रहे हो और इमोशनली डिटैच्ड हो, ऐसा आप जानबूझकर हो सकता है शो करते होंगे गाइस, फाइन। तो एक्चुअल में वेयर दिस सिनेरियो इज लीडिंग, द लवर्स मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, डीपली इमोशनल कमिटमेंट्स, द पावर ऑफ लव। तो ज़रूर आपके पर्सन को भी पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप भी इनके बगैर नहीं रह सकते हो, और एट टाइम्स जो आपका बिहेवियर आता है इनके सामने, इस बिहेवियर से ये डरते तो हैं लेकिन इन्हें लाइक डीप डाउन पता है, इनका इंट्यूशन जानता है, इनका सबकॉन्शियस जानता है कि आप दोनों का जो एक इमोशनल कमिटमेंट है वो कभी टूट नहीं सकता, यू नो एक अनब्रेकेबल बॉन्ड आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी कह सकते हो आप, साथ ही साथ जो एक सबकॉन्शियस लेवल्स पर भी आप दोनों एक दूसरे से जो कनेक्ट करते हो, तो आपके पर्सन को एटलीस्ट ये पता है कि ये अपने प्यार के पावर से आपको मना लेंगे या फिर हर बार ये आपको विन बैक करते होंगे गाइस। तो अगर अभी भी आप लोगों के बीच में यही सिचुएशन है जहां पर आप दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा किया और एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं भी कर रहे हो, तो अब आप देखोगे कि आपके पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेंगे और अपने उस प्यार की पावर के साथ ये कमबैक करेंगे और आपको दोबारा से जीत लेंगे गाइस। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके पर्सन की एग्जैक्ट एनर्जीज हैं। हो सकता है इन्होंने आपकी तरफ वो एक्शन ऑलरेडी रख दिया होगा, आपकी तरफ इन्होंने हो सकता है एक बहुत ही लीस्ट वे में आपको मनाने की यहाँ पर कोशिश की होगी, यू नो जैसे कि आपके पर्सन ने आइदर वो कम्युनिकेशन आपके तरफ इनिशिएट कर दिया होगा जिसका आपको इंतजार था। अगर नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट था तो एक कम्युनिकेशन की शुरुआत तो यहाँ पर हो गई है, भले ही बहुत ही लिटिल वे में या फिर जेस्चर्स के द्वारा। इन्होंने आइदर स्टेटस रखा होगा आपके नाम से या फिर कोई पोस्ट आपको टैग करके पोस्ट किया होगा जहाँ पर ये एटलीस्ट ये दिखा सकें कि हाउ मच दे लव यू विद द एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी नाराजगी भी हो सकता है इन्हें आपकी तरफ और भी ज़्यादा इंक्लाइन करती होगी। जब कोई पर्सन नाराज हो जाता है तो हम उसको जैसे जैसे मनाते जाते हैं तो उस पर्सन का वो एक जो रिएक्शन आता है वो भी कई सारे लोगों को अच्छा लगता है। तो आपके मैस्कुलिन उस तरह के ही पर्सन होंगे जहाँ पर ये आपके रिएक्शंस को काउंट करते हैं, हर एक एक रिएक्शन, एक भी चीज़ मिस आउट होने नहीं देते। हर बार ही इनका एक अप्रोच ऐसा रहता होगा कि ये आइदर आपकी स्माइल को शायद नोटिस करते होंगे कि आप खुश हो रहे हो, इवन इनको पता भी चलता होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आप दोनों सबकॉन्शियसली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो इनको हर एक एक बात पता है कि आप कब स्माइल दोगे, तो ऐसी ही बातें ये लिखेंगे कि आपकी स्माइल आए या फिर ऐसी ही चीज़ें ये करेंगे कि आपको हंसाया जाए, आपको मनाया जाए। तो आपके पर्सन की यहाँ पर एक मैं एफर्ट देख रही हूँ आपको मनाने के लिए, शायद ये कोशिशें कर रहे होंगे गाइज, और ऑलमोस्ट ये वर्क भी कर रहा होगा विद द एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज। शायद ये इनकी सारी ट्रिक्स काम भी कर रही होंगी, आप शायद मान भी रहे होंगे क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी होती होंगी कि आपको इवेंचुअली मान ही जाना पड़ता होगा गाइस। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज द मून, डेथ, द चैरियट, द जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स की बनी हुई हैं।
मैंने जैसे कि कहा, इस पर्सन के वजह से आप कई टाइम्स बहुत ज़्यादा लाइक अनप्रेडिक्टेबल भी रहते हो। मतलब इस पर्सन को अंडरस्टैंड कर पाना कभी कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको हर बार इन्हें पुश करना पड़ता है। तो आप शायद ये सोचते होंगे कि ये सच में सीरियस हैं भी कि नहीं, या फिर जस्ट कहने के लिए कहते होंगे, यू नो। ऐसी कभी आपके मन में जो थॉट्स आती हैं, तब आप शायद एक क्वीन ऑफ माइकल वाला रूप ले लेते होंगे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, रूड हो, या फिर इनसे बहुत ही स्ट्रेटली कुछ कह देते होंगे, डेडलाइंस रखते होंगे। तो ये इसलिए करते हो आप क्योंकि आपको डर है इस पर्सन को खो देने का डर, या फिर जो भी अभी चल रहा है उस चीज़ को आप भी बहुत ही ब्यूटीफुली इंजॉय कर रहे हो, लेकिन वो हर एक बार आपको वो जो डर है वो सताता रहता है कि ये जो भी मुझे मिला है ये मुझसे छिन ना जाए। क्योंकि ऐसे आपने पास्ट इवेंट्स में भी पैटर्न्स देखे होंगे, इससे पहले भी आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे सिनेरियोस से ऑलरेडी आप गुजर चुके हो, तो आप नहीं चाहते कि अब की बार ऐसा कुछ हो जाए कि आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट ना मिल जाए, या फिर इस ब्यूटीफुल से कनेक्शन को आप कहीं खो ना दें। तो ये जो डर है ये बार बार आपको एक ऐसा रूप लेने पर मजबूर करता है जो आप एक्चुअल में वैसे हो ही नहीं, और इस पर्सन को डराने के लिए हो सकता है आप इनसे एंडिंग वर्ड्स भी कह देते होंगे जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर डेथ वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि आप हर बार इनको ऐसी ही धमकी देते होंगे कि आप इनको छोड़कर जा रहे हो, या फिर आप इनसे मूव ऑन होने वाले हो, वॉक अवे कर जाओगे, या फिर जो भी आप कहते हो वो इस पर्सन को डराने के लिए कहते हो, ताकि उस डर के वजह से इवेंचुअली ये कुछ कर पाए या फिर कोई नेक्स्ट एक्शन ले पाए, इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। क्योंकि आप दोनों का जो भी एक रिलेशनशिप है वो बहुत ही कैजुअल वेज में चल रहा होगा। गाइस, आप चाहते हो यहाँ पर एक कमिटमेंट देखना चाहते हो विद द चैरिट एंड द जजमेंट एनर्जीज। आप चाहते हो कि इस पर्सन को आप एक एक्शन ओरिएंटेशन में लेकर आए। मतलब काफी टाइम से आप लोगों का जो कनेक्शन है स्टेशनरी है, वहीं पर रुका हुआ है, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप इस पर्सन को पुश कर रहे हो ताकि ये बीइंग द चैरियट कुछ एक्शन ले सके। लिटरली अगर यहाँ पर एक जर्नी या फिर रीच आउट वाली प्लानिंग्स हैं, तो आप चाहते हो कि इस पर्सन को बार बार इस बात को याद दिलाया जाए, ताकि ये एक चैरियट की तरह आपकी तरफ रीच आउट रख सकें। ये एक चीज है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि इस पर्सन के साथ आप हो सकता है कुछ को-क्रिएट करना चाहते हो इस लाइफ टाइम में। ये कोई सीरियस कमिटमेंट की यहाँ पर डिस्कशन हो रही है गाइस, जहाँ पर आप इस पर्सन के साथ आइदर एक फैमिली बिल्डअप करना चाहते हो और इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो आप। अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा केयरलेस एटीट्यूड वाले पर्सन हैं, इन्हें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपसे इनकी कन्वर्जेशन हो रही है तभी ये मतलब रिलैक्स रहते हैं, खुश रहते हैं, और किन्हीं चीज़ों के बारे में अगर ये नहीं सोचते हैं कि लाइफ कहाँ जा रही है, क्या करना है आगे, यू नो, अगर ऐसे पर्सन हैं आपके, तो आप इन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो। और यही वजह है कि आपका एक जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर आता है वो इसीलिए आता होगा क्योंकि आप इस पर्सन को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना चाहते हो, ताकि अपनी लाइफ में कुछ करें, इस कनेक्शन के साथ साथ ये अपनी लाइफ में भी कुछ कर सकें। समझ रहे हो, बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा भी होगा कि अगर आपके पर्सन एक स्टूडेंट हैं या फिर ये अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप इस पर्सन को बार बार पुश करते होंगे कि ये कुछ करें, ये अपनी लाइफ में एक विक्टोरियस पर्सन की तरह शाइन करें, एस्टैब्लिश्ड पर्सन बने, कुछ कर दिखाएं, यू नो। इनको इनके डिज़ायर्स की तरफ आप पुश करते हो, उनके कुछ ड्रीम्स होंगे, अगर कुछ ड्रीम्स हैं, करियर रिलेटेड ड्रीम्स भी हैं, तो आप इन्हें बार बार इनके करियर की तरफ बढ़ाते हो, इन्हें इंस्पायर करते हो, यू नो, इन्हें मोटिवेट करते हो, ताकि ये सीरियस हो जाए अपनी लाइफ में और कुछ कर दिखाएं। तो वेयर द सिचुएशन इज लीडिंग, तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 10 of Cups, द स्टार, 2 of Swords, 9 of Pentacles एंड द मैजिशियन। तो ऑफकोर्स गाइज, यहाँ पर जो ये सिचुएशनशिप है वो एक ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ ही लीड हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं,
टेन ऑफ कप्स एंड द स्टार टॉक्स अबाउट, कि इस रिलेशनशिप की फुलफिलमेंट की आप होप रख सकते हो, उम्मीद रख सकते हो। यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं गाइस कि इस पर्सन से रिलेटेड हो सकता है आपकी लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग होगी, कि आइदर आप इस पर्सन के लिए पूरी तरीके से श्योर नहीं होंगे गाइस, और आप इस पर्सन को ऐसे किसी टेस्टिंग टाइम में डालकर देखना चाहते हो, या फिर अभी ऐसे बहुत सारे पड़ाव होंगे इस रिलेशनशिप में जहां पर आप इस पर्सन को टेस्ट करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए सही पर्सन है या नहीं। ये ऐसा कनेक्शन होगा बहुत लोगों के लिए, ये एक बहुत ही न्यू कनेक्शन होगा गाइस, और अगर ये ओल्ड कनेक्शन भी है तो पास्ट इवेंट्स में हो सकता है इस पर्सन के साथ आपने बहुत सारे बैड टाइम्स भी देखे हैं, तो इस बार आप इस पर्सन पर टोटली रिलाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए बीइंग द मैजिशियन हियर, आप इस पर्सन को एक आइदर किसी सिचुएशन में डालकर टेस्ट करोगे, या फिर आप इस पर्सन को शायद ऑब्जर्व करना चाहते हो, तभी शायद एक कंप्लीट या एक फाइनल डिसीजन आप ले पाओगे गाइस। बट आपको यकीन है, आपका दिल कहता है, जैसे कि मैंने कहा द स्टार टॉक्स अबाउट दैट होप, इस कनेक्शन की पोटेंशियल पर आपको उम्मीद है कि यस, ये जो भी रिलेशनशिप है ये ग्रो होगा, एक फ्रूटेशन की तरफ पहुंचेगा। बट आप श्योर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि पास्ट के इवेंट्स इस कदर आपके माइंड पर हॉन्ट करते होंगे गाइस, आइदर इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया होगा पास्ट इवेंट्स के चलते, या फिर आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स में ऐसे ही सिनेरियोज हो गुजरे हैं। तो अब आप जो भी करना चाहोगे, सोच समझ कर करना चाहोगे, आपके हाथ में यहाँ पर कंट्रोल है क्योंकि म्यूजिशियन की एनर्जीज आपकी होगी गाइस। तो इस पर्सन को आप जैसे भी टर्न करना चाहते हो, जो भी आप इस पर्सन से चाहते हो, उन सारी चीज़ों पर आप ही का कंट्रोल रहेगा, और ये आपके जो पर्सन है उसी वेज में एक्ट भी करेंगे। बट शायद आप यहाँ पर कुछ चीज़ों पर एक रीएनालाइजेशन रखना चाहते हो, चीज़ों को एक टेस्टिंग टाइम में डालकर देखना चाहते हो, कुछ टाइम लेना भी चाहते हो, और इस पर्सन को शायद आप कुछ टाइम देना भी चाह रहे हो ताकि ये कुछ कर दिखाएं, ये अपनी एटलीस्ट सीरियसनेस प्रूव कर सकें कि ये इस कनेक्शन को लेकर किस हद तक सीरियस है। और ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा, द लवर्स एनर्जीज टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ लव, तो आपके पर्सन आपके दिए गए हर टास्क को हो सकता है अपने प्यार के उस पावर के साथ कंप्लीशन की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि हमेशा जीत प्यार की होती है। ऑफ कोर्स आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक लॉजिकल माइंड में नज़र आ रहे हो, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, और यही वजह है कि ये अपने प्यार से आपके लॉजिकल माइंड को भी शायद जीत लेंगे गाइस। ऑलराइट, तो आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।